हेलो गाइस, आज मैं मदुरई में हूँ और मदुरई में अब मैं जा रही हूँ मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। दिस प्लेस इज मदुरई। हम लोग मदुरई के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। यहाँ पे रुकना हमारे लिए बहुत ही सस्ता पड़ गया है। जहाँ की होटल 8 से 10 हज़ार में वन नाइट का लेता है, यहाँ पे हमें 4 हज़ार में मिल गया है। तो गाइस, आप भी जाते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट होटल या जो गेस्ट हाउस होता है उसमें ज़रूर रुका करें, ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। गाइस, अभी हम रोड से निकल कर उस गली में हैं जहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल है और इस सामने ही हमें नज़र आ रही है मीनाक्षी टेम्पल। तो अब जस्ट ही हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। तो गाइस, यू कैन लुक मीनाक्षी टेम्पल। तो गाइस, ये है मीनाक्षी टेम्पल, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर है। और अब हम अंदर जाने वाले हैं। हमें कैमरा अलाउ होगा कि नहीं ये अंदर जाके ही पता चलेगा। तो फिलहाल जब तक अलाउ है मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर यहाँ का फेमस फूल का माला बिक रहा है जो माता को भी चढ़ता है और खुद भी लगा सकते हैं। कैसे लगना है? तो ये हम ले रहे हैं, अपने बालों में लगाएंगे। बिल्कुल फ्रेश फूल है और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अरे पास से देख सकते हैं मीनाक्षी टेम्पल कितना सुंदर लग रहा है। अब हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जाके हमें पता चला है कि जो हमारे बैग्स हैं, कैमरा है, ये सभी चीज़ें हमें जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम मंदिर में एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, अपने बैग, कैमरा, मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें हैं हमें सब यहीं जमा कर देना है। इस वक्त मैं मंदिर के बाहर हूँ। मंदिर के चार मेन गेट है, चारों गेट में से किसी भी गेट से आप निकल सकते हैं और इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ के बाज़ार देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ पे हर तीर्थ स्थान में जैसा बाज़ार होता है वैसा ही है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये उस शॉप पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे अपने बैग्स, कैमरा जमा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो दूर से आए हुए हैं। लाल पीली साड़ियाँ यहाँ पे खूब चलती हैं, रंग बिरंगी साड़ियाँ अच्छी। गाइज, इस वक्त हमने कैमरा बैग सब जमा कर लिया है और यहीं से मंदिर के लिए लाइन लगना शुरू हो जाती है, यानी कि मंदिर के लिए इन यहीं से होते हैं। तो यहां से हम सब लाइन लगेंगे और लाइन लगने के बाद जब मैं मंदिर के अंदर, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमें लगभग 5 से 6 घंटे तक वहां पर मंदिर के अंदर लाइन लगने में लगा था। और 5 से 6 घंटे के बाद हमारी दर्शन हुई थी। इसके बाद फिर से हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने यहाँ से अपना कैमरा, पर्स सब कुछ उठाया और इसके बाद हम यहाँ पे जो भी परचेजिंग करना था वो सब किया। इसके बाद हमने होटल में खाना खाए और इसके बाद हम अपने होटल तक वापस आए। तो गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो अगर बहुत पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।